है आपको, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तेरी फील हो रहा है यार। अब क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो यार तू? अरे उतार। जब तक तुम बोलो जब तक। मानती हो ना मेरे को भाई? मत कर, मैं बता रही हूँ मत कर। तुम दोनों का असली चेहरा दिख गया, खास कर तेरा। भैया हम क्या करें भैया, हम कसम से बहुत परेशान हो गए हैं भैया। वो ना आप नहीं समझ रहे हो, वो है ना मेरे जीजा का है ना जिंदगी बर्बाद कर रही है भैया। वो बहुत घटिया किस्म की जीजा। भैया मैं कैसे समझाएं आपको, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? कैसे हुई तेरी हिम्मत ऐसा बोलने की? इज्जत कर रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसा कर ही नहीं सकती जो तूने बोला उसके बारे में। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? मेरी बात सुनो। तूने उसके बारे में बोला कैसे ये सब? जीजा मैं प्रूफ ये बता क्या एक प्रूफ? एक मौका दे दो। क्या प्रूफ करेगा तू? अरे वो ऐसी है ही नहीं, प्रूफ ही क्या करेगा तू? अरे जीजा तू पहले बैठ के बात कर लो ना, मैं सब पूरा बता। जीजा मैं देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ जीजा, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं जैसे पहले था वैसा नहीं हूँ, ठीक है? अरे वो तेरी बहन ऐसी है ही नहीं, उस दिन तूने उसे बियर पिलाया वो पीती तक नहीं थी बेचारी, इतनी भोली है वो, सब पीती है, तुम नहीं समझ रहे हो। अरे वो कुछ नहीं करती, मेरे साथ रह रही है तब से मेरे को। अरे यार तुम्हारे जैसे को बहुत कुछ हरा दी है। बड़ी घटिया इंसान हो यार, अपने बहन को बदनाम कर रहे हो तुम। भैया आप एक मौका दीजिएगा, एक मौका दीजिएगा। अरे यार परिवार को तुम तोड़ रहे हो यार। भैया मैं परिवार नहीं तोड़ रहा हूँ भैया, आप अगर मैं झूठ बोलूंगा जूता से मारेगा, अपना जूता से मारेगा, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार तू अपनी बहन को बदनाम करने में लगा यार, क्यों हम दोनों का रिश्ता तोड़ने में लगा ये बताना। क्यों चाहूंगा मैं, खुद चाहता हूँ। यार नहीं नहीं तुम्हारे साथ तेरी चाल है इसमें, बता तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? देख मेरी चाल नहीं है। हाँ पता है तुमसे शादी क्यों की है? पता क्यों? है बता बता। इसलिए कि जितना तुम्हारा है ना संपत्ति। अरे ये सब बोल मत जीजा, वाले बात तो सुनोगे? संपत्ति हड़पना चाहती है वो। अरे उसके बारे में उल्टा बोल रहा है फिर। 50% मुझे देना चाहती थी, जब मैं मांगने के लिए कह रहा हूं आपके परिवार को 50% देना चाहती थी, मेरे को खुद, आपको खुद 50% इसके प्रॉपर्टी में से। सोचो बेर हने से वो मेरे से प्यार करती है, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं आई मेरे पास। नाटक है वो, नाटक है, प्यार है, कुछ नहीं है। प्यार करती है मेरे से, नाटक नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? वो प्यार करती है मेरे से, नाटक नहीं। एक तो तुम्हारे वजह से तुमने उसको बियर पिलाया, इनके नजरों में इनको गलत बनाया, इनकी बीवी को, वो जब जाके इनके साथ में रह रही है तो तुमको तुम्हारे पिछवाड़े मिर्ची क्यों लग रहा है यार? क्या दिक्कत है? फुट पहले से बियर पीती थी भैया, ठीक है? अब क्या क्यों अपने बहन का जीवन बर्बाद कर रहे हो यार? मैं क्यों जीवन बर्बाद करूंगा आप बताओ? देख तू झूठ बोल रहा पूरा मुझे पता है, तेरी चाल पहले भी मैंने देख ली। तू उसके साथ सही से रहा ही नहीं कभी, तेरा परिवार कभी रहा ही नहीं साथ। अरे रहने दे मुझे, नहीं करनी लड़ाई। तुम्हारी जिंदगी झंड करेगी, रोड पे ला देगी तुम्हें। अच्छा प्रॉपर्टी हड़पने वाली है, देख लिया था कितना तुम लोग। सब आपका चाल है, क्या आप उसके सौतेले भाई हो? चाल नहीं, अगर तुम्हारा तुम्हारे मम्मी उसको जितना धसा की है ना सारा दुनिया जानता है, ठीक है ना? भैया मैं समझता हूँ हम लोग ने, इन लोगों का जो प्यार है ना एक दूसरे को समझ के शादी किया है लोग, और आज जल्दबाजी में शादी नहीं किया है, सही के लिए तोड़ने आए रिश्ता, रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो यार। ये मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस एक मौका तो दे दो मेरे को, दोगे एक मौका? क्या मौका दूंगा? साबित कर दूंगा। तेरे पे भरोसा ही नहीं है, एक बियर पिला रहा है, गोद में सुला रहा है, और क्या कर तू? गिना दू तेरी, ये तो बता दे, सामने आ जाएगा बस सब सामने। एक बार इंट्रो कर लेने दो, स्टार्ट है ना, एक से रुक जा। तो हाँ जी दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। एक क्यों अपने बहन का जीवन बर्बाद कर रहे हो यार? जब उसका शादी हो गया, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, तो उसके घर को क्यों तोड़ रहे हो आप? क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई, तेरी सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी थी, अब कुछ दिखाने को रह नहीं गया है। तुम अंधे हो गए उसके प्यार में। अच्छा वो धूल झोंक रही है तुम्हारी आंखों में, कुछ धूल नहीं झोला। वो उस दिन दिख गया था कि कहाँ जंगल में तुम दोनों बैठ के बियर पी रहे हो। वो खुद बियर पीती है, ठीक है? अरे रहने दो, तूने पिलाया, उसने मुझे ही बताया। एक से रुक, थोड़ा स्पेस दो हमको भी, बैठ दो। सच्चाई बताना, घर गई हूँ आपके पास, क्या बता रही थी? वो बता रही थी कि मेरे भाई ने मुझे जानबूझकर बियर पिलाया, मेरे साथ गंदी हरकतें करता है, उसे ये सब करने में मजा आता है मेरे साथ, क्योंकि वो सौतेला भाई है मेरा। दोस्तों इनकी बहन से इन्होंने शादी किया, जो कि प्रोफेशन से टीचर हैं, पढ़ाते हैं। ये लोग शादी करके बहुत खुश है लोग, लेकिन ये इंसान बोल रहा है कि वो आपसे शादी नहीं की है, वो आपके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आपके पास गई है। ये बहुत सारी चीज़ें हमको बता रहा था, क्या तो इस सब में डील भी होता है कि जो भी प्रॉपर्टी का होगा 50% आपको मिलेगा।
तब आपको आप उसके पूरा उसका जो उसके खिलाफ क्यों बोल रहे अपने जीजा को? भैया मैं प्रॉपर्टी नहीं दे रही है आपको? भैया बात प्रॉपर्टी का नहीं है, ठीक है। मैं इनका जिंदगी ना झंड करने वाली है। वो मेरे को कह रही है उसके इंसान के साथ मैं नहीं रहूँगा, ये वो। मैंने बहुत इनके बारे में शिकायत किया तो मैं उनको बोला तो तुम क्यों ऐसा काम करे, तो अगर तू चुपचाप रहे भाई मैं तेरे को 50% दूंगी। कौन सा गेम खेल रहा है ये बता दे तू बस। कौन सा गेम खेल रहा है? गेम नहीं खेल रहा हूँ यार, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। मुझे शुरुआत से ही तुम दोनों भाई बहनों का पता था, तुम लोग उसे पसंद नहीं करते। अगर मेरे शादी नहीं हुई तो कहीं और करने वाले थे, वो तुमको पसंद नहीं करती है। ये सच है ना कि उसका शादी तुम लोग बहरे से करने वाले थे, अंधे से करने वाले थे, करने वाले थे ना। जब उसने अपने पसंद से अच्छा लड़का खोज के शादी कर लिया, मैं मानता हूँ कि गलत है, क्योंकि थोड़ा एज इनका ज्यादा उसका एज कम है, तब तुम लोग को मिर्ची लग रहा है ना कि उसका घर बस कैसे गया। यही यही बात होगी और कोई बात नहीं है। मिर्ची लग रही है कि आज एक अच्छे प्रोफेशन वाले से शादी हो गई उस लड़की की, खुशी से रह रही है। क्यों रहे खुशी से? यही चाहते हो ना? तुम नहीं समझ रहे हो। एक मौका दे दो मेरे को, मैं साबित कर। क्या मौका दूं भैया? आप बताओ मैं क्या मौका दूं इसे, जिसकी करतूतें मैंने पहले ही वीडियो में देख ली। कैसे कोई यकीन करेगा यार? भैया आपको भी यकीन नहीं हो रहा, मैं यकीन दिला दूंगा। कहां से दिला सकता हूं यकीन? उसको मैं यहां बुला लूंगा, अगर आप कहोगे तो यहां बुला सकता हूं। इतना मेरे पास है हिम्मत, कोई ना कोई बहाना मैं इसको यहां बुला लूंगा। भैया मैं क्या करूं इसके साथ बताओ? आप बताओ मैं क्या करूं इसके साथ? आप सच्चाई सामने ला सकते हो? सामने ला दूंगा भैया, 100% कह रहा हूं। को शादी इनसे क्यों की है? वो सिर्फ इसके प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। इनको इनका जमीन हड़पना चाहती है, वो चाहती थी पैसा लेके हम ऐसो की जिंदगी जिए। इनके साथ वो नहीं रहना चाहती है, कहती उसका एज ज्यादा है। मेरा हो रहा है दिमाग खराब, मैं इस लड़के को मार दूंगा। इसे भगा दो यहाँ से, चला जा तू, बहुत हो गया तेरा। तू चाहता क्या यार? तू तो मैं बोला तू चाहता क्या हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना? बोल दे, मैं चाहता हूँ आप दोनों खुश रह लो। लेकिन अरे क्या खुश रह लो, इतनी सब कुछ बोल दिया और खुश रह लो? मेरी बात थोड़ा समझो, मेरे तो कुछ भी मानते हो, थोड़ा समझो। अरे क्या मानू यार, तेरी करतूते तो पहले से ही पता है मुझे। हाँ तू कैसा है, तेरा परिवार कैसा है, तूने उसके साथ कैसा जुल्म किया, सब पता है। पहले क्या बताऊँ आप भैया, पहले कंडीशन खराब थी तो ऐसा करना पड़ा। अच्छा अच्छा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या बताऊं मैं? आप अपने बीबी से प्यार करते हो? मैं बहुत प्यार करता हूं और वो भी बहुत, बहुत भरोसा है ना? को ऐसा कदम नहीं उठा सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा। वो लालची औरत नहीं है ना? कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया है, मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सपना देख रहे हो भाई? इतनी बड़ी बड़ी सपना मत देखो यार। क्या सपना यार, तुम चुप रहो, बीच में आग डाल रहे हो। तुम बीच में आग डाल रहे हो, तुम समझ नहीं, तुम उसके प्यार में अंधे हो यार। तुमको सही बात बता रहे, तुम मान ही नहीं रहे हो। प्रूफ कर दोगे आप? भैया 100% प्रूफ। आप खड़ा रहो वहाँ पे भैया, पेड़ के पीछे माइक छुपा के रखो। अब बुलाओ फोन करके उसे। A few moments later. मेरा भाई, मेरा जान। अरे आ गई आप? अरे मैं कब से इंतजार कर रहा था यार तुम्हारा, यहाँ मैं कब से इंतजार कर रहा था। और बताओ, बहुत लेट लगा दिया यार आपने आने में। तुमने बुलाया ही ऐसे, मैं तो जल्दी आ जाती। लेट लगा दिया यार आपने आने में। और बता। अरे बहुत अच्छी लग रही है यार साड़ी में, क्या बात है। और बहुत अच्छी लग रही है, बैठ जाओ, अच्छी लग रही हो यार। और बताओ, और सब क्या चल रहा है? बढ़िया। सुनने में आ रहा है कि तुम पैसा वाला बनने वाली हो, क्या बात है। पैसे वाली बनने वाली हूं? लग तो रहा है ये। अच्छा, तो फिर सही सुना होगा। सही सुना होगा। और बता, प्लानिंग व्लानिंग कैसे चल रहा है, थोड़ा मेरे से शेयर करो। और क्या प्लानिंग चल रही? कुछ भी नहीं। अरे जो प्लानिंग जो चलने वाली थी। क्या प्लानिंग चलने वाली थी? अरे आपको, अरे अब ना भोली मत बनो, बता ना प्लानिंग में कब हो रही हो सक्सेसफुल अपने। जो प्लानिंग चल रही थी बहुत चल रही है। मैं कब तक? फिर भी जब तक तुम बोलो जब तक। अब आप ही का मजा है, आप रईस हो जाओगी, अमीर हो जाओगी, तो फिर भाई की थोड़ी याद आएगी, है कि नहीं? ऐसा कुछ लेकिन नहीं। तुमने गजब लेकिन चूतिया बनाया अपने हस्बैंड को, मानना क्या, पड़ेगा यार। क्या चूतिया बनाया? अरे यार वो तो चूतिया सब पहले से था। उम्र भी 30-40 साल उसका उम्र है। तुमने शादी करके अच्छा गेम खेल दिया उसके साथ। अरे यार वो है ही ऐसा पागल सा, मेरे को तो पहले से ही नहीं था उससे प्यार यार। मेरे को भी ऐसा लग रहा था यार तुम उसे प्यार तो नहीं करोगी, मेरे को थोड़ा एहसास हो रहा था ऐसा। जल्दी हो जाओ सक्सेसफुल, ठीक है? वो तो बिल्कुल। फिर तुम, मैं तो कह रही हूँ ये देखो, कोई देख लेगा पब्लिक प्लेस है यार ये। अरे यार ऐसे तो मत करो यार, कम से कम तुम यार अब इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना इसे पहन उतार के। यार
लेकिन बहन तुम इसमें, अरे ये पता क्या, तो अच्छी घर पे धोएगा वही धोएगा, मैं तो नहीं दूंगी। नौकर बना के रखती हो क्या उसको? लग रहा है तुम्हारे इशारे पे चलता है क्या, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है। हाँ है ना। तो और बताओ, और क्या आगे का कुछ प्लानिंग है आपका, कुछ हमसे भी शेयर करो। आगे का कुछ प्लानिंग नहीं है। कुछ तो होगा ना प्लानिंग, मतलब कि आगे का? नहीं। अरे यार, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या सोची हो उसके प्रॉपर्टी बारे में? प्रॉपर्टी तो मैं ले लूँगी उसकी। कब तक, मतलब वही तो सारे लूँगी मैं, मतलब कितनी ज़्यादा उससे ज़्यादा है ना, ज़्यादा तो संपत्ति है ना उसकी? है, संपत्ति तो है। सही है यार, तो पागल है। अबे पागल है वो, लेकिन यार कसम बताए ना, कसम बताए वो तुम्हारे प्यार में, लेकिन अंधा है यार, तो मानो या ना मानो। अच्छा, वो पूरा अंधा हो तुम्हारे प्यार में एकदम, ऐसा होता है ना जैसे अंधा जैसे चलता है वैसे तुम्हारे प्यार में एकदम अंधा है वो, आँख बंद करके चल रहा है तुम्हारे वो प्यार में, तुम जैसे उसको घुमा रहे हो उसको घूम रहा है वो। वही तो, मतलब तुम्हें ये बताओ, कभी मैंने ये साड़ी पहनी आज तक? वही तो मेरे को नहीं समझ में आता है यार, पागल है वो, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ब्लाउज कौन पहनता है। उसकी पहले वाली थी बीबी, वो भी छोड़ दी यार उसको। वही तो, उसका पागलपंती ऐसा, मेरे को लग रहा है वो पागल है यार, कुछ ना कुछ उसके अंदर तो है ही। पागल है, बोलने वाली थोड़ी बात है, पागल है ही। और जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए यार, ठीक है? वो तो होंगी, मैं बस सकता हूं। और क्या, थोड़ा तो है पागल उगल यार, अब क्या ही बोलूँ यार, पागल तो है यार। बहन तू मेरे को एक बात बता, तुम थोड़ी पागल इंसान हो क्या? ये जो तुम कर रही हो ये अच्छा कर रही हो? मैंने मेरे को तुम इतना बता, ये सब जो तुम काम कर रही हो, अपने हस्बैंड को तुम धोखा दे रही हो, उससे तुम शादी की हो, शादी का 3-4 महीना हुआ, उसको उसका पूरा जमीन संपत्ति तुम हड़प रही हो यार, एक बार तुम ऐसे खुश रह पाओगी कभी? मेरा पति है ना, मेरे को पता तुम्हारा पति है, लेकिन उसका तुम बहुत गलत कर रही हो बहन, बहुत गलत कर रही हो। मुझे पता है मैं गलत क्या कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ, ठीक है? 50% की बात हुई ना, 10 भी नहीं दूंगी। देख वो तो मेरे को तेरे से पहले से उम्मीद कुछ था नहीं कि तू देगी कुछ, ठीक है? तू मतलबी इंसान है, ठीक है? जहाँ फायदा होता है वहाँ तो पलट जाती है, ठीक है ना? हाँ, obviously। लेकिन मैं तुझे इतना कहूंगा, देख उसके साथ रह, अपना घर बसा, ठीक है? ऐसे यार उसके चक्कर में उसका लाइफ तो मत झंड कर यार, वो तेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन बहन तू बहुत गलत कर रही है इस टाइम। मैं तेरा एक भाई हूँ, भाई के नाते मैं तेरे को मैं समझा रहा हूँ, तू बहुत गलत कर रही है। अपने काम से काम रखा कर, ठीक है? मेरे को मत समझा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अरे बहन, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तू ऐसे हाइपर क्यों हो रही है मेरे पे? मैं समझ तो क्या करूं देख, मैं? ऐसे भी तू उसके साथ रहेगी, पूरा हाँ? संपत्ति तो तेरा ही होने वाला है, उसका तो होगा नहीं, उसका भी रहेगा तेरा भी रहेगा, तुम दोनों लाइफ में खुश रहो ना, तुझे इतना प्यार करता है ना, तू जो भी कहेगी वो करेगा तेरे लिए। घंटा प्यार मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे से ऐसी बातें मत कर। देखो बहन, देखो क्या हो गया, वही भरा बैठो। अच्छा यहाँ बैठो, बैठो, सुनो बहन बोल। देखो प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसी तू मत कर बहन, उसकी भी लाइफ है, फीलिंग है, जैसे बहुत प्यार करता है, मेरे को पता है उसके आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन तू इतना घटिया हरकत कर रही ना कि मैं क्या बताऊं तुमको, मैं कर रही हूं ना, है तू घटिया है बहन। अच्छा, वो तो बहुत बड़ी घटिया इंसान है। तुझे पता वो कैसा है, जो कैसा तू बोल रहा है? कैसा है बताना मेरे को, क्यों बताऊं मैं तुझे ना? बताओ तो भी तो मैं जानूं। मुझे ये भी पता वो कैसा, मुझे ये पता कि तू कैसा है। अरे तो तू भी बता ना कि मेरा जीजा कैसा है, तो भी तो मैं जानूंगा। तो मेरे को नहीं बताना है कैसा है वो ना, मेरे को शेयर करने में क्या हो रहा है? मैं फिर उसके बाद तेरे से करूंगी, तू जाकर उससे बोलेगा। मैं क्यों बोलूंगा उससे, मैं क्यों बोलूं? तू मेरे से बता सकती है, मैं तेरा भाई हूं ना। भरका के जाता ना तू मेरे घर पे, सब पता है वो मुझे। नहीं भरकाता है मेरे को, ठीक है? मुझे उससे मेरी बात तक नहीं होती है। वैसे ही बोल देता है क्या वो मेरे से कि तेरा भाई ये बोल रहा, तेरा भाई वो बोल रहा था? बहन तू समझ दे, तू उसके साथ रहे तो खुश रहेगी, ठीक है? ये सब जो भी तू कर रही है, 3-5 कर रही है, ये दिमाग लगा रही है, तो मत कर लगा यार, ठीक है? मेरी मर्जी कुछ भी करूँ तुझे क्या, ठीक है? ए, ऐसी बात ना, तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा एक भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा। ऐसे कर रहा है? अरे बहन, मैं चाहता हूँ तू हमेशा खुश रहे बहन, तू क्यों उसका उस सब के लिए अल्लाह प्रेम पर है मेरे बाप की तेरे साथ, जब से तू मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे सब पता तेरे इरादे कैसे है। तू गलत सोच रही है, ठीक है? मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूँ, सोच रही थी 50% की बात करे ना, 10 भी ना दू तेरे। अरे बहन, मेरे को शुरू से तेरे से उम्मीद नहीं था तू 1% देगी मेरे को, ठीक है? मैं तेरे से मैं चाह रहा हूँ मेरी बहन जहाँ भी रहे खुश रहे यार, उसकी तो कम से कम जिंदगी ना बर्बाद करे, तुम उसकी जिंदगी झंड कर रही है, बताओ? ऐसे नहीं होता यार बहन, सब किसी किसी का फीलिंग होती है यार, तुम उसके फीलिंग के साथ खेल रही हो तुम। तुझे उम्मीद नहीं ना 1% की, चल तू 10 ले लो, बट मेरे से बाप बनने मेरे को 10% नहीं चाहिए, मेरे को 1% नहीं चाहिए, बस तुम्हारे सामने हाथ जो है तुम उसके साथ जाओ, खुश रहो, और ऐसा घटियापन अपने माइंड से निकाल दो तुम, ठीक है? चुप हो जा यार तू, ठीक है? मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, फालतू के लेक्चर देने में लगा पड़ा है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, किसी और को जाके सुनाइयो। लेक्चर नहीं दे रहा हूं यार तुम्हें बहन, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, लाइफ खराब हो जाएगा। लाइफ है ना। अच्छा सुन मेरी बात सुन, कल होके अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमको छोड़ देता है, तू कहां जाएगी तू बता? तू एक तरह से सोच, तेरे हस्बैंड को ये सब बात पता चलेगा
अगर वो तेरे को छोड़ता है डिवोर्स देगा तू कहाँ आएगी मेरे पास आएगी ना? अगर उसने नहीं दिया तो, अगर उसने नहीं दिया तो तू क्या कर लेगी मेरे को बता। देगा कैसे? नहीं मैं ले लूंगी। एक ऑप्शन तो रख रहा हूँ ना मैं, तुम इतना बताओ, अगर वो तुमको छोड़ दिया, प्रॉपर्टी नहीं दिया, निकाल दिया घर से, तू कहाँ रहेगी? भाई तुम या भाई के पास आएगी ना? भाई के पास आएगी ना? मैं क्यों आऊंगी भाई के पास? मैं नहीं आऊंगी। तो कहाँ जाएगी बता? भाई मेरे पे खुद पे भी है, मैं जा सकती हूँ जहाँ मेरे को जाना होगा। यार कसम से तेरे आंख में शर्म नहीं है? तुम अपने भाई के साथ ऐसी घटिया बात कर रही हो? तेरे अंदर शर्म से? तो तू बहन बहुत बहुत गंदी है बहन, तू तेरे को बहन बोलने बहुत शर्म आ रहा है। मुझे भाई बोलने में आ रहा है? पता ना यार कैसी बहन अल्लाह ऊपर वाले ने दिया यार मेरे को, कसम से यार किस्मत फूटा था यार मेरे को। मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ भाइयों के, लेकिन तुमने मानने तक की तैयार नहीं हो यार तुम। कैसे मान जाओ यार, बचपन से देख रही हूँ मैं तुझे क्या करने की कोशिश कर रहा है। बचपन की बात अलग है, अभी का बात समझो ना, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। वो तुम्हारे तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे सबके रंग पता है, सबके रंग कैसे? तेरे रंग पता, उसके रंग पता है मेरे को। बहन तू ऐसे नहीं मानेगी ना? मेरे को क्या करना क्या नहीं करना नहीं मानूंगी। जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। मेरी खराब हो रही ना, होने दे। वैसे भी तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी खराब करने पे तुले पड़े हो। मैं क्यों खराब करूंगा तुम्हारी जिंदगी? मैं तुम्हारा अपना हूँ यार। कहीं ना घंटा अपने हो, कोई मेरा अपना नहीं है। मैं तो खुद के बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरा अपना था क्या? मेरी माँ का अपना था क्या वो? यार देखो उनकी उम्र थी तो ठीक है ना, मैं तुमसे प्यार से समझा रहा हूँ, बहन मानता हूँ तुमको। मानती हो ना मेरे को भाई? मत कर, मैं बता रही हूँ मत कर। तुम दोनों का असली चेहरा दिख गया, खास कर तेरा, तेरा इसका देख रहे इसका असली चेहरा। ये घर से साड़ी पहन के आई और यहाँ पे ओहो यही चाहती थी, यही मैंने क्या बोला तेरे को यही चाहिए था? देखो इसकी नीयत पिछली बड़ी थी मेरे ऊपर। अच्छा इसने मेरे से बोला अच्छा। तो तू मेरे सामने साड़ी में मत आ। मैंने क्या बोला यार, मैं तो तुम्हारी इज्जत ढक रहा था, इज्जत ढक रहा था तुम्हारे। इस ये डोरे डालते मेरे देख भाई कैसे पर वो तो दिख गया मुझे। थोड़ा तो शर्म कर लो बहन, थोड़ा तो शर्म कर लो। वो दिख गया, सौतेला है ना? अरे सौतेला है तेरा, अपना दिख गया कि डोरे डाल अपना की तरह मना है तेरे को अपना की तरह। ओ इधर देख क्या डोरे डाल रहा था, अब बता मुझे कैसी है यार तू बहन? साड़ी पहन के निकली तू? तेरी गंदी नजर मेरे पर। मेरी गंदी नजर थी? मेरी गंदी नजर थी? तेरे को समझा रहा था यहाँ बैठा बैठा के, ठीक है ना भाई? मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये ऐसा कर रहा था। मैं तुमसे अभी भी प्यार ही करती हूँ। मैं दिख गया तेरा क्या प्यार, प्यार करती है तू? धोखेबाज है एक नंबर की, ठीक है ना? मेरी बहन भी बहन बोले शर्म आ रहा है। तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, ठीक है? अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है तू? मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। धोखा दे रही है तू? तेरी सारी बातें थोड़ा सा तो शर्म कर लो, थोड़ा सा दे रही है। ये बता सुन इधर, घर से साड़ी पहन के निकली और यहाँ कैसे आके बदल गई? ये बता बोला यार। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला भाई ये मेरी बहन है, मैं बोलूंगा कि साड़ी उतारो भाई। हाँ, वो तो दिख रहा है सारी बातें देखी मैंने तेरी, सारी बातें मुझे साड़ी उतारा है, ठीक है? मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं उतारा है, ठीक है ना? तेरी सारी बातें मैंने देख ली, क्या बातें करी थी, क्या हरकतें की तूने। अरे तेरा भाई है तू नहीं समझेगा भाई, तेरा भाई है। ये कैसी है यार ये पता है? ये समझ गया मैं, औरत है ये, सब समझ गया मैं। एक्टिंग कर रहा हूं मैं यार, कब तक धोखा देगी यार अपने हस्बैंड को बताना। मुझे धोखा क्यों देना चाहती है ये बता, क्यों धोखा देना चाहती है? मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तुझे? तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? तेरी सारी बातें सुनाऊं यहां, यही पेड़ के पीछे था मैं बैठा हुआ, तेरी सारी बातें सुनाऊं, एक एक बातें तेरी सुनाऊं? तू ये बता मेरी प्रॉपर्टी तेरे आंखों में शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? हां मेरी प्रॉपर्टी के लिए क्यों ये सब कर रही है यार? तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं नहीं समझ रहा है। उधर उधर होके बात कर, उधर होके बात कर। हाथ छोड़, हाथ छोड़, दिख गया तेरा, उधर हो यार। तुम मेरे पति हो क्या? बस अरे वो सही कर रहा है जैसा, ठीक है ना? जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? तेरा असली चेहरा तेरे भाई ने दिखा दिया। अरे नहीं, जब भाई की नहीं हो, जब अपने हस्बैंड की होगी। दूर हट, नहीं छोड़ सकती। दूर हट, नहीं चाहिए। नहीं यार तेरा प्यार नहीं चाहिए मुझे, मैं आज जोड़ रहा हूँ। तेरा प्यार देख लिया मैंने, तेरा प्यार नहीं चाहिए अब, तू जा यहाँ से। यार ये झूठ बोल रहा है। अच्छा मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ। प्रॉपर्टी चाहती थी ना? हाँ पहले ही मांग ली होती। तेरे नाम पे मैंने अपना घर लिखवाया, जो घर मैंने बनवाया वो तेरे नाम पे था, फिर भी देख ले शर्म कर ले, थोड़ा भी शर्म है। मैं तेरे दूर हट यार, तू दूर हट, दूर हट, इधर लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। मेरा पति तुझे को दिक्कत हो रही है? तेरा पति ये नहीं, तेरा पति की आंख में ना धूल झोंक रही है तू, धूल झोंक रही है। करता था तो घर की पूरे नाम तेरे किया है मैंने। और आज भाई मत कर भाई, कुछ लाइक नहीं है, कुछ लाइक नहीं है। रहने दे, एक्सेप्ट क्या कर रही है भाई? तेरे को लोन दी थी मैं, गई ना अपने भाई के पास, फिर इसने अपने रंग तेरा मकसद कुछ और। क्या समझूं मैं? नहीं नहीं मैं क्या समझूं ये बैठो, क्या समझूं मैं ये साड़ी, इसका क्या करूं मैं यार? मैंने तुम्हें बताया था ना यार, बस यार तुम्हारा प्यार कितना देखूं मैं? देखो उस दिन इसने कितना प्यार देखूं, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे दिल में हो रहा दर्द, अब नहीं रहा जा रहा। ये क्या है ये, मैं क्या समझूं ये तेरा असली रूप? पकड़ नागिन कहीं की, हट। तुम क्यों ये समझ रहे हो? मैं भूल रही हूँ ना यार, इसने मेरे को जबरदस्ती। अरे वो दिख गया मेरा, मैंने यहीं पे सब तेरा रूप देख लिया, बस कर। तेरा सारा का सारा रूप देख लिया मैंने,
अरे अब तो शर्म कर ले बहन, अब तो शर्म कर ले। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तू हट जा यार। देखो तुम जा यहाँ से। नहीं है यार, उस लाइक हमारे बीच कुछ लाइक तू नहीं है यार। तू तो चुप ही रह ले, ठीक है? अरे मैं सही बोल रहा हूँ, अपने हस्बैंड से पूछ ले तू खुद। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या समझूं मैं, क्या रह गया आप समझ? ब्लैकमेल करने वाली औरत है तू, एक नंबर की ब्लैकमेल। यार देखो, इसने तो जान पूछ के करा ये सब। ये दारू लेके इसलिए आया था ताकि तुम मेरे पे। अच्छा, उस दिन तुम्हें बताया था। हाँ ठीक है, वो तू नहीं पीती है दारू। तू नहीं पीती है दारू, बताना अपने हस्बैंड से। दारू नहीं पीती है? दारू बाज है एक नंबर की तू। झूठ यार, ये हमारा घर तोड़वा। सिगरेट भी पीती है भाई, सिगरेट भी पीती है ये। तूने देखा कि अपनी आंखों से मेरे को? अरे मेरे साथ खुद तू, मेरे सामने पिए तू। मैं सामने तू खुद पिए, वो तो दिख गया ये कितने नशे में। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या करूँ मैं ये बताओ अब, क्या करूँ तुम्हारा? देखो यार ये प्लीज मान जाओ, यही समझाता तेरे को, यही समझाता कि ऐसा घटिया पंच सोच में मत डालो। क्या करूँ तेरा, तू मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास आई थी, अब क्या करूं तेरा? ये प्रॉपर्टी के लिए कहाँ आई थी? फिर किस लिए, किस लिए? अपने भाई से डील कर रही थी 10% 50% की, बता बता यार। समझो यार, प्लीज समझो। कुछ नहीं रह गया समझने को। अब कितना झूठ बोलूंगा यार मैं? यार तेरे को बाप बनना था ना, बाप बन चुका है। मैं बाप नहीं बनना हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, भाई रहूंगा, ठीक है? समझ नहीं रही है यार, काम कर, जिंदगी झंड कर रही है। मैं यही चाहता हूँ, चली जा यार ऐसे कैसे। तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैंने तो अपना घर तेरे नाम रखा था यार, फिर भी तू ये तो सब... मैंने तुमसे बोला कि हटा दो, फिर भी तूने ये सब किया। मुझे तो तेरे भाई ने बता दिया कि पूरे साल का एग्रीमेंट हो रखा है कि ये शादी चलेगी और फिर उसके बाद मैं डाइवोर्स ले लूंगी, क्यों ये सब कर रही है? अरे शर्म कर ले थोड़ी। प्यार नहीं था, कुछ नहीं था तो मना कर दी होती। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या चाह रहा है? देख लो, देख लो भाई, दिख रहा है, चढ़ा रही है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। यार प्लीज यार, प्लीज गो समझ। अरे बस क्या गुस्सा होना, कुछ रह नहीं गया, कुछ रह नहीं गया हमारे बीच, अब कुछ नहीं रह गया। तेरा असली रूप मैंने देख लिया, एक बात और कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड भैया, तुम लड़कियों कितना रूप होता है यार, हर टाइम पे बदलते रहती हो तुम लोग यार। तुम लोग गिरगिट के भी, गिरगिट से भी आगे निकल रहे हो ना रंग बदलने में। जो इंसान सब कुछ छोड़ के तुमसे शादी किया, तुम उसी इंसान को धोखा दे रही हो। मैंने अपनी अपने भाई के साथ मिल के ना, जब तुम्हारा भाई तुम्हारा पोल पट्टी खोल दिया था, तुमको ज्यादा तकलीफ हो रहा है ना? अरे तुमसे बात कर रहा है ना, क्यों इसका जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये जब भाई साथ नहीं दिया तो भाई को ही गलत बना रही हो ना, कि भाई भी इसमें मिला हुआ है। ऐसे करने में तुमको मिलता क्या है यार? तुमसे बात कर रहा है ना, करतूते जानना चाह रहे हो तुम इन दोनों की? क्या करतूते है, तुम्हें से ना पूछ रहे हैं, बताओ ना। एक तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है ऊपर से ये। अरे क्या खराब कर रखा है मैंने, बताना ये, बताना क्या खराब कर रखी है जिंदगी? धोखेबाज लड़की है तू, एक नंबर की धोखेबाज। क्या वो ही ना पूछ रहे हैं, क्या बात क्या है, सच बताओ ना, क्या बात क्या है? ए बाबा तो उठो, खड़ी हो जाओ, पहले जो भी बात है बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बोलो, तुम इनको कब से जानते हो? जब से मैं इसे ट्यूशन पढ़ाता था तब से। एक इनके बारे में क्या क्या देखे हो, जो जो ये लड़का बता रहा है सारा चीज इनके बारे में तुम जानते हो? अब कुछ भी नहीं जानता था मैं। तो ये झूठ बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा है ना भाई? क्यों बदनाम कर रहा है उसको? उठ खड़ा भैया, मैं सच बता रहा हूँ भैया, सच। अपनी बहन का जीवन तू बर्बाद कर रहा है ना, उसको तू विधवा बना रहा है ना, पति के होने के बावजूद। एक बात बता, समझा रहा था, एक बात बता, मेरा बात सुनो। क्या सुनो? जिसका पति जिंदा हो उसका भाई अपने बहन को विधवा बना रहा है ना, यही ना घर तोड़ रहा है तू? सच क्या है बता, इसका बताओ, इसका बताऊं पहले? दोनों का बताओ। ये ठीक है, आपको तो बताइए मेरे मम्मी पापा का क्या चल रहा है। ये सौतेला, ये मेरे को सौतेले की नज़र से समझता है। ये कहता है कि ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती, कभी मेरे को बचपन से बहन ही नहीं समझता, मने डालता रहेगा, ठीक है? अच्छा, दो बहन पे इसको ये लगा मेरे भाई, तो चुप साला भैया, झूठी इंसान है ये। अच्छा झूठ बोल रहा है ना, इसको बोल लेना तो तेरे से बात करेगा। और बता, इसको ये पता चला मेरे साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है? अब ये जो था इसके, मैं घर पे गई, हाँ, शादी करके, हाँ, हाँ। इसने मेरे को शादी से पहले क्या बोला था, मेरी वाइफ है वो मेरे को छोड़ के चली गई है, हाँ, ठीक है? मैं इसके घर पे आई, इसके थोड़े दिन में जो कारनामे स्टार्ट हो गए ना, ये ना मेरे मतलब बात बात मैंने धीरे धीरे कर करके पहले चाटा मारता था। सच बात है, क्यों झूठ बोल रही हो पब्लिक में? क्यों झूठ, क्या फायदा मिलेगा? क्यों झूठ बोल रही हो, तुमसे बात कर रहे ना, बोल रही हो सच बात है? अच्छा बोल ना, देख बोलो और बात बोलो, चाटा मारता था उसके बाद? इसकी जो वाइफ थी ना वो छोड़ के नहीं गई, उसकी ना बाद में ना इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहती थी, ठीक है? इसने उसका इलाज नहीं करवाया, उसकी डेथ हो गई। ये बात मुझे उसकी दूसरी इसने पड़ोसी ने बताई है मेरे को, जब ये घर पे नहीं होता था।
ये क्या बात चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, ये लड़कियाँ फंसाता है। चुप हो जा, अब चुप हो जा, मेरे को बोलने दे। मैं दूसरी नहीं हूँ। अरे सुन तो, चुप हो जा, अब मेरे को बोलने दे। ये क्या चाहती है भैया, मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ प्रॉपर्टी लेने आई है मेरी, जो भी है। इसके भाई ने सारी बात बताई मुझे, सारी पोल खोली और यहाँ बैठ के मैंने देखा, आंखों से कानों से दोनों से देखा, इसकी सारी की सारी हरकतें पता चल गई। हाँ बता। मुझे पता चल गया था इनका असली रूप क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, भाई है जो मेरे पे डोरा डाल रहा है। तू चुप रह, चल 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 चल, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। समझ रहे भैया कैसे बात कर रही है, देख रही है। एक काम ना करते हैं, आप अपने गांव से चार पांच लोगों को लाइए, तुमने परिवार को, अपने गांव से तीन चार लोगों को लाओ, बैठ के सारे लोगों के सामने बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कर लो, ऐसा क्यों करती है? कर लो, कर लो भैया, आपको कोई दिक्कत है ना? मेरे को दिक्कत नहीं है, बट ऐसा है, ये डोरे डाल रहा है, ये मेरे को मार रहा है। पंचायत रखो, कुछ भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सही हूँ तो सही हूँ, ये गलत है। मैं भी सही हूँ। गलत है तू, धोखेबाज है तू, धोखेबाज है यार, गलत है। मैं इसे गलत समझता था लेकिन ये सही निकला। बोल ना भाई, हाँ बोल, क्यों अंदर रख रहा है बात, रख। झूठ नहीं दिखाई दे रहा है, बताना सही है क्या बात है भैया। जब से इसको बुरा लग रहा है कि मैंने इसके साथ शादी कैसे कर ली, बुरा उसका बात नहीं, सच्चाई तो बताना, सच्चाई बताना। अच्छा ये शादी करना चाहता था? हाँ ये शादी करना चाहता था, ये मानना चाह रहा है। मैं अपनी बहन से शादी करूंगा, थोड़ा शर्म है, तुम क्या बोल रही हो? ये बहन मानता ही कहा है मेरे को? ये अगर बहन मानता ना तो उस दिन गोद में नहीं सुलाता। सुनो भाई, अगर बहन मानता ना उस दिन तू गोद में नहीं सुलाता। भैया मैं इसको याद है ना किस लिए सुलाया था, पता है? सर में दर्द कर रहा था, चक्कर आ रहा था, सही में चक्कर आ रहा था। भैया पता नहीं आ रहा था, सुनो भैया, सुनो उसका क्या रीजन? हाँ, क्या रीजन? ये मेरे पैर पे सोई थी, ठीक है, खुद दारू पी थी, ये थोड़े थोड़े थी, ये नशे में हमको ज्यादा ही पी लिए थे। ये उस टाइम यही मेरे से प्लानिंग कर रही थी कि उसका पर्पस, मेरी बात सुनो अभी, यही प्लानिंग कर रही थी कि हम अपने हस्बैंड को चूतिया बनाते हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसको वही चीज समझा रहे थे, कर्ज को 50% देंगे। भैया हम क्यों झूठ बोले, हम भी पैसे के आ गए थे भाई, हम लालच में, हमने सोचा 10-12 लाख मेरे को। अरे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार हमको। भैया ये ब्लैकमेल कर रही है अपने हस्बैंड को और ब्लेम मेरे पे लगा रही है। अभी ये चाहती है कि हस्बैंड भी मेरे साथ रहे और इसको सही बोल रहेगा, झूठ बोल। अब तो बता दे, सच बता दे। मैं देखो, मैं बता क्या हुआ था, मैंने इससे बोला कि लोन वोन चल रहा है, जो मैंने आपसे बात करी थी, मैं आके बैठी, ठीक है। इसने बोला कि यार तू थक गई होगी, तू ऐसे लेट जा। मैं लेट गई, फिर ये कहता है मैं ना ये लेके आया था, ये जो भी लेके आया था बिहेवियर, वो पीने लग गया। फिर कहता है तू भी पी रहे, तेरे को स्ट्रेस हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं पीती नहीं। उसने जबरदस्ती मेरे को पिला दी, जब ये ज्यादा नशे में था और मैं कम थी, मुझे अपनी होश। और इसने मेरे से बोला, मैंने इससे बोला यार मेरा हस्बैंड ना ऐसा ऐसा है, ये कह रहा चल कोई बात नहीं, तू ना उसकी प्रॉपर्टी ले ले, आधी तू आधी मैं ले लेंगे। यहाँ पे आके ये कहता है कि मेरे को ये है तो उसको छोड़ मत, ये अपने असली रंग दिखा रहा है। तो ये भी नहीं पता तेरे हस्बैंड का कितना, और इसका ये है कि अगर मैं इसको ये पता चल जाता ये मेरे को छोड़ देता फिर ये मेरे से शादी कर लेता। बता भैया, मैं भाई हूँ, अभी इसको बहन बोल रहा हूं। खेल खेल रही है, सच बता रही है, ये बता। हाँ बताओ, सही बोल रहे हैं, खेल खेल रही है, सच बता रही है। तू नागिन है, चार पांच लोगों को कह रहे थे बुला लो, चार पांच लोगों को यही करते हैं, पंचायती होगा, बुला लो, पंचायती होगा, आप करो, पंचायती ही होगा, करो, और उसी में सच आएगा सामने। चलो चलो यहाँ से तुम लोग सारे, ये साड़ी ले लो अपना, साड़ी ले लो, चलो तुम, पंचायती होगा, इसको ले जा भैया अपने साथ में, तब तक छोड़ो मत इसको। क्या छोड़ेंगे, नहीं इसको मारने की प्लानिंग मेरे से पहले से ही चल रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज दिखाना है, और वहाँ पे मैंने कैमरे भी लगाया है, सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये प्रूफ के तौर पर हमारे पास रहेगा। कोई भी इसमें से रंग बदलेगा ना तो वीडियो सारे पब्लिक को दिखाएंगे हम, जो जो लोग पंचायती में बैठा होगा। इसलिए ज्यादा ड्रामा करने से कुछ खत्म नहीं होगा, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो समय बताएगा ना, वो तो समय बताएगा। चलो चल अभी घर चल, तू पहले कब बताता।